मित्रों, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दोस्त क्या उसके दुश्मन भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार की क्रिया में भाग लेने और ये अर्थी को कंधा देने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में क्या आप ये जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में अर्थी को कंधा देने वालों को कुछ ये सावधानियाँ बरतने के लिए कहा गया है, लेकिन उनके बारे में ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि अर्थी को कंधा देने वाले कैसे सावधान रहें। मित्रों, वास्तव में हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है या फिर उसकी अर्थी को कंधा देता है तो ये एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, जो उसके पुण्य में बढ़ोतरी करता है और इसके प्रभाव से पूर्व में किए हुए उसके पाप भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये बताया गया है कि संसार को छोड़कर जा रही मृत आत्मा अभिवादन में करने वाले व्यक्ति के तन मन से सभी संतापों को भी हार के अपने साथ ले जाती है। इसीलिए इस मान्यता से अवगत ज्यादातर लोग शव यात्रा में शामिल होने और ये शव को कंधा देने का सौभाग्य नहीं छोड़ते। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार हमें उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में भी जरूर जाना चाहिए जो हमारे घर के आसपास के स्वागत के दायरे में रहता हो, और ऐसा होता भी है। आज भी गांव में लोग अपने आसपास से किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो घर में चूल्हा तक नहीं जलाते, और जब तक उसकी अर्थी ना उठ जाए किसी तरह का कोई शुभ कार्य या फिर पूजा पाठ नहीं करते। असल में इसके पीछे की मान्यता ये है कि जहाँ शव पड़ा होता है उसके आसपास का क्षेत्र भी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिसे सूतक कहा जाता है। चलिए अब आपको शास्त्रों में वर्णित उन संकेतों के बारे में भी बताते हैं, जिसे किसी भी शव यात्रा में शामिल होने वाले या फिर अर्थी को कंधा देने वाले को ध्यान में रखना चाहिए। आपको बता दें कि यदि मृत व्यक्ति कोई ब्राह्मण है जिसे आप कंधा दे रहे हैं, तो आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि आपको एक कदम और चलने मात्र से एक यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। इसके अलावा एक और नियम ये भी है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता हो वो किसी भी अन्य व्यक्ति के मृत शरीर की अर्थी को कंधा नहीं दे सकता और न ही उसकी शव यात्रा में शामिल हो सकता है। वो केवल अपने माता पिता और गुरु की अर्थी को ही कंधा देने का अधिकारी है। इस नियम से अनजान यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की अर्थी को कंधा देता है तो उससे उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। इसके अलावा मित्रों, मुक्तिधाम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या फिर हंसी मजाक करने से बचना चाहिए। साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि उसे भी यहीं पर लाया जाएगा, अतः ऐसे में यदि वो किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि करता है तो समय आने पर उसी क्षेत्र के देवों को जवाब देना होगा। इसीलिए मित्रों, अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो अंतिम संस्कार के पश्चात बिना पीछे मुड़े किसी नदी या फिर तालाब में वस्त्र सहित स्नान करें और मृत व्यक्ति के नाम से जलार्पण करें और बिना कुछ कहे घर की ओर चल दें। और मित्रों, इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी चलो शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब तक मृत व्यक्ति जीवित था तब तक वो आपका मित्र या फिर रिश्तेदार था, क्योंकि अब वो मरने के बाद वो प्रेत योनि में जा चुका है और अब आपका और उसका कोई सीधा संबंध नहीं बचा। ऐसे में यदि आप लौटते हुए चलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्राणी प्रेत रूप धर आपके साथ ही चल सकता है, जिससे आपको प्रेत बाधा भी हो सकती है। तो मित्रों, इस तरह दाह संस्कार करके घर पहुँचे हर व्यक्ति को नीम की दातुने चबानी चाहिए। इसके बाद लोहा, जल, अग्नि और पत्थर का स्पर्श करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि क्यों, तो ये इसलिए कि एक मनुष्य के इस भौतिक शरीर के अलावा ऊर्जा से बने कई अन्य शरीर भी हैं, जो शमशान घाट या फिर शव के संपर्क में आने से दूषित हो जाते हैं। अतः जब आप इन वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तो उससे उन शरीरों की अशुद्धियां भी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, जो लोग इस शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं उन्हें एक दिन का, शव को छूने वालों को 3 दिन का और अर्थी को कंधा देने वालों को लगभग 8 दिनों का सूतक मानना चाहिए। और ये तो आप भी जानते ही होंगे कि सूतक के दौरान मंदिर और धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने और साधुओं को दान देने की मनाही होती है। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको आज यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें।